इस वक्त की बड़ी खबर किसान आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर यह मिल रही है कि पिछले 1.5 घंटे से प्रधानमंत्री आवास पर चल रही बैठक, ये हाई लेवल मीटिंग चल रही है जो कि अब खत्म हो चुकी है। इस बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल भी मौजूद थे। आज 2 बजे किसानों के साथ बैठक होनी है, उससे पहले इस बैठक को बेहद अहम बताया जा रहा है। तो ये बैठक खत्म हो चुकी है, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे पीएम आवास पर पीएम के साथ जो हाई लेवल मीटिंग चल रही थी जिसमें कृषि मंत्री मौजूद थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा पीयूष गोयल और साथ ही आपको बता दें गृहमंत्री अमित शाह के भी बैठक में मौजूद होने की खबर है। लेकिन अब यह बैठक खत्म हो चुकी है क्योंकि आज किसानों के साथ 5वें दौर की बातचीत होनी है। रणनीति क्या होगी, किस तरीके से किसानों की बातों को सुना जाएगा और क्या समाधान निकल आएगा, यह बड़ा सवाल है। लेकिन इस बड़े सवाल के बीच जो बैठक प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर हुई है उसे बेहद अहम माना जा रहा है क्योंकि आज पांचवें दौर की बातचीत होनी है। उससे पहले कोशिश यही कि किसी भी तरीके से आज बातचीत के जरिए किसी नतीजे पर पहुंचा जाए। हम सीधे पीएम आवास की तरफ रुख कर लेते हैं। संदीप बोल इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आया, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी बैठक जो है तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास चली है और जिस तरह से इस बैठक में पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि जिस तरीके से किसानों की मांगे हैं उस मांगों को किस हद तक जो है सरकार और कैसे पूरा करेगी उसको लेकर यहां पे चर्चा हुई। जैसे पिछली बार यानी कि 4थे दौर की जब बातचीत हुई थी उस दौरान जो है पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो उस बैठक में मौजूद थे। पहले ये कहा जा रहा था कि उसमें गृह मंत्री भी होंगे, हो सकता है उसमें रक्षा मंत्री भी राजनाथ सिंह भी मौजूद होंगे, लेकिन नहीं हुआ। तो आज जिस तरीके की बैठक प्रधानमंत्री आवास पर अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है उसमें जो नेता जो मंत्री यहाँ पे इस वक्त मौजूद थे उससे ये साफ हो रहा है कि जो 2 बजे की बैठक होने वाली है किसानों के साथ उसमें भारत सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाएगा वो तय हो चुका है। साथ ही उम्मीद यही जताई जा रही है कि पिछली बार यानी कि 4थे दौर पे जो बातचीत हुई थी उस वक्त जो मंत्री यानी कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल उस बैठक में शामिल हुए थे, तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी वही ट्रेंड रहेगा, यही दो शायद जाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ जो बातचीत हुई है उसके बारे में भी ब्यौरा देंगे। क्योंकि अभी 2 बजे बैठक होनी है और उससे पहले ही सुबह से ही जैसे गायत्री पूरे हालात जो है हम न्यूज 18 इंडिया पे दिखा रहे हैं कि कैसे चारों तरफ से जो है दिल्ली को घेरने की कोशिश हो चुकी है, सिंघू बॉर्डर दीपक रावत हमारे साथ है। दीपक, 2 बजे बैठक होनी है और जानकारी के वहीं से बस निकलेगी विज्ञान भवन के लिए, और क्या अपडेट आपके पास? गायत्री, सबसे पहले आपको बस दिखा देते हैं जिस बस में तमाम किसान नेता जो है वो सवार हो चुके हैं। 2 बसें यहां से निकलेंगी, पिछली बार भी 2 बसें लगाई गई थी और इस वक्त जो लीडर्स हैं वो बैठ चुके हैं और उनसे बात कर लेते हैं। सर, आज आप फिर निकल रहे हैं, आज 5वां राउंड है बातचीत का, कितनी उम्मीद है आपको? मैं बलदेव सिंह निहालगढ़ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा, आज हम 5वीं बार जो है बातचीत और जा रहे हैं क्योंकि 4थे जो गेट की बात थी उसमें कुछ रिस्पॉन्स हमने सरकार ने हमको दिया था, कुछ बिंदुओं पर सरकार सहमत हुई थी संशोधन करने के लिए, पर हमने उसी समय बता दिया था कि संशोधन पर हम मानने वाले नहीं, हम तीनों कानूनों पर तो उसको वापस करा के ही जाना है क्योंकि परसों जो मीटिंग हुई थी उसमें एक एक क्लॉज पर क्लॉज बाई क्लॉज हमने जो उनको नुक्ते उठाए थे उनको बता दिया था, इन कोई किसी भी नुक्ते में प्रो किसान नहीं है, इसमें किसानी की कहीं प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए इसको बिल्कुल ही रद्द किया जाए। कितने लोगों का डेलीगेशन आज जा रहा है, पिछली बार 40 लोग करीब? सेम डेलीगेशन है। अच्छा, पिछली बार आप लोगों ने मांग की थी कि आपको जगह जगह पर रोका जाता है, आपको पूछा जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपको कहा गया था कि पुलिस की गाड़ी आपके आगे चलेगी, क्या इस बार उस व्यवस्था की गई है? गाड़ी आप लगी खड़ी है हमारे आगे, गाड़ी चलेगी, वो तो सरकार की जिम्मेवारी है क्योंकि हमसे सिक्योरिटी की तो कोई जरूरत नहीं, वो सिर्फ इसलिए है भी शहर है जो दिल्ली उसमें जो ट्रैफिक का कुछ समस्या है उसको लिए गाड़ी। पिछली बार आप लोगों ने अपना खाना भी खुद ही लेके गए थे, आपने मंगवाया था, क्या इस बार भी आप उनका दिया हुआ कुछ लेना नहीं चाहते? देखो, हम सरकार से तो पिछली बार भी नहीं लिया कुछ, इस बार भी कुछ नहीं खाएंगे, हमारा लंगर गुरु घर का जो लंगर है वहीं पर उससे ही ऐसे हम अपना खाना लेंगे, उसे ही चाय पियेंगे। तो गायत्री, लगातार हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो नेता है वो बस में सवार हो चुके हैं और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आप बताइए आज कितनी उम्मीद है आज की मीटिंग को लेकर? देखो, उम्मीद
रखनी चाहिए है उस परमात्मा के घर विचों सच्चे पातशाह अगे अरदास करते हैं कि यह कृपा करन मेरे मालक इन्हां नूं समत बख्शन ते ये जिहड़े ने सही फैसला करन पब्लिक की नब्ज पछाण के ये फैसला जिहड़ा इन्हां तों उल्ट होया है जिस तरह भी होया ना तो जाने हो गया अनजाने हो गया। ठीक है दीपक आपके पास लौट रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें हैं किसानों को, किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हमें ये कानून नहीं चाहिए। अनुराग हमारे साथ मौजूद है विज्ञान भवन जहां पर ये मीटिंग हो रही है। अनुराग अनुराग वहां पर फिलहाल क्या तैयारी है? अनुराग आपके पास हम लौटेंगे पहले ये तस्वीरें दिखा दें कि जब चौथे दौर की बातचीत हुई तो उस दौरान कौन कौन मौजूद रहा, लेकिन इस सबके बीच आज जब पीएम के घर पर बैठक हुई है तो उसमें कौन कौन मौजूद रहा है? नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहे हैं, पीयूष गोयल मौजूद रहे, अमित शाह और राजनाथ सिंह के भी बैठक में मौजूद होने की खबर आ रही है। इस सबके बीच तय ये हुआ है जो कि हमारे सहयोगी संदीप बोल बता रहे हैं कि आज जब पांचवें दौर की बैठक होगी तो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल ही मौजूद रहेंगे। बैठक